हाउ टू फिक्स BSNL नो सर्विस सेलेक्टेड नेटवर्क प्रॉब्लम। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा यदि आपको भी अपने सिम में जो है ये प्रॉब्लम शो हो रहा है नो सर्विस सेलेक्टेड नेटवर्क, तो इसे आप कैसे फिक्स कर सकते हैं इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखा है जो कि मुझे पहले प्रॉब्लम आया था ये सेम प्रॉब्लम, और मैंने जो है यहाँ पे कम से कम मैंने यहाँ पे 7 तरीके आजमाए, उसके बाद में जाके मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है, ठीक है। और मैं भी आपको जो है कम से कम यहाँ पे 7 तरीके बताऊँगा जिसके मदद से आपका भी ये प्रॉब्लम डेफिनेटली सॉल्व होगा। तो दोस्तों वीडियो के साथ बने रहिएगा, कम से कम 7 तरीके बताऊँगा, एक ना एक तो आपके मोबाइल में काम कर ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अभी दोस्तों सबसे पहला आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहला अपना मोबाइल को एक बार रिस्टार्ट कर लीजिएगा, ठीक है। अपना मोबाइल को एक बार रिस्टार्ट कर लीजिए और उसके बाद में एक बार चेक करके देखिए आपका नेटवर्क काम करता कि है कि नहीं। कभी कभी रिस्टार्ट करने पर बहुत से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सबसे पहले आप कर लीजिए। अभी सेकेंड आपको क्या करना है, अपने मोबाइल के सेटिंग्स पर जाना है। सेटिंग्स पर जाने के बाद में आपको जाना है यहाँ पर एडिशनल सेटिंग्स पर, उसके बाद आपको एकदम नीचे आना है बैकअप एंड रीसेट। दोस्तों हो सकता है कि लोकेशन थोड़ा बहुत इधर उधर हो तो आपको ढूंढ के निकालना है जहाँ पे मैं जा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हर मोबाइल में थोड़ा अलग लगेगा आपको। तो यहाँ पे रीसेट टू फैक्ट्री सेटिंग पे जाना है। अभी सबसे ऊपर आप देख सकते हो रीसेट सिस्टम सेटिंग ओनली पे आपको क्लिक करना है। अभी यहाँ पे आपका पासवर्ड है तो पासवर्ड भर दीजिए। दोस्तों यदि आपको रीसेट सिस्टम सेटिंग ओनली ये ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है, आपके पास नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है, वीडियो पे बने रहिए, आगे आपको क्या करना है मैं बताऊंगा आपको। यहाँ पे आपको रीसेट सिस्टम सेटिंग ओनली कर देना है यदि आपके पास ये ऑप्शन है तो। ये करने के बाद एक बार चेक कीजिएगा आपका प्रॉब्लम काम करता है कि नहीं, नेटवर्क शो होने लगता है कि नहीं, ठीक है। तो ये करने के बाद में आपका प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाना चाहिए। बाय एनी चांस फिर भी नहीं होता है तो आपको यहाँ पर अभी थर्ड सेटिंग क्या करना है, थर्ड सेटिंग आपको अपने मोबाइल के सेटिंग्स पे आना है और फ्लाइट मोड को ऑन कर देना है। अभी फ्लाइट मोड को ऑन कर देने के बाद में फ्लाइट मोड को ऑफ़ कर दीजिए। अभी ये करने के बाद में दोस्तों आपका प्रॉब्लम जो है ये 20% चांसेस रहता है कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, लेकिन 80% आपका काम नहीं करने का ही ज़्यादा चांसेस रहेगा, ठीक है। तो ये था आपका थर्ड स्टेप। अभी फोर्थ स्टेप दोस्तों आपको क्या करना है, अपने मोबाइल का सेटिंग्स पर आना है। यहाँ पर आपको डुअल सिम एंड सेलुलर नेटवर्क दिखाई दे रहा है, या फिर हो सकता है आपको सिम मैनेजमेंट दिखाई दे या फिर आपको मोबाइल नेटवर्क दिखाई दे, ठीक है। यहाँ पे आपको क्लिक करना है, सिम पे आपको चले जाना है, जिस सिम पे आपको प्रॉब्लम आ रहा है वही सिम पे आपको चले जाना है, और यहाँ पे एक बार अपने सिम को जो है बंद कर दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। सिम को आप बंद कर दीजिएगा, डिसेबल कर दीजिए एक बार, और डिसेबल करने के बाद में इसे फिर से रीएनेबल कर दीजिए। और यहाँ पर आपको नीचे आपको करियर सेटिंग्स पर आपको जाना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर कुछ देर वेट कर लेते हैं और यहाँ पर हम करियर सेटिंग पे हमें जाना है, ठीक है। अभी यहाँ पे जाने के बाद में आप देख सकते हो यहाँ पे ऑटोमेटिकली सेलेक्ट आपको बताया गया है। यदि आपका यहाँ पे ऑटोमेटिकली सेलेक्ट है या फिर मैनुअल सेलेक्ट है, ठीक है, मेरा ऑटोमेटिकली सेलेक्ट है तो मैं इसे ऑफ कर देता हूँ, तो इसे मैं फिलहाल के लिए ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। आपका भी ऑटोमेटिकली सेलेक्ट है तो ऑफ कर दीजिए, और यदि मैनुअली सेलेक्ट है तो आपको यहाँ पर अभी जो मुझे दिखाने वाला है वही आपको शो करेगा, क्या करना है मैं आपको आगे बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों यदि आपका ऑटोमेटिकली सेलेक्ट है तो आपको जो है यहाँ पे मैंने जो किया वही आपको करना है, और यहाँ पे नेटवर्क कुछ शो होगा वो नेटवर्क आपको सेलेक्ट करना है। यदि आपका मैनुअली सेलेक्ट है, यहाँ पे कुछ नेटवर्क ऑलरेडी आपको शो कर रहा है और वहीं पे सेलेक्ट करके रखा है, तो आपको ऑटोमेटिकली सर्च करके आपको रखना है, ठीक है। वो करने के बाद में आपको नेटवर्क शो होने लगेगा। यहाँ पर मैंने जो है ऑटोमेटिकली सेलेक्ट को मैंने यहाँ पर बंद कर दिया, अभी मुझे यहाँ पर नेटवर्क शो हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि अभी मेरा मोबाइल जो है, मेरा जितना भी नज़दीक के टावर है वो टावर मुझे यहाँ पर शो कर रहा है, ठीक है। अभी देखिए इसे आपको ऑटोमेटिकली को ऑफ़ कर देना है और एक बार इसे ऑन कर दीजिएगा, ठीक है। ये करने के बाद में आपका प्रॉब्लम डेफिनेटली सॉल्व होगा, क्योंकि आपको ऑटोमेटिकली भी चलाना है, क्योंकि आपको पता नहीं होगा कि कौन से नेटवर्क कब काम कर रहा है, कौन से नेटवर्क कहाँ पे है, तो इसलिए मैनुअली आपका बेटर नहीं रहेगा, आपको ऑटोमेटिकली सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको बैक आना है। अभी आपको यहाँ पे देखिए दोस्तों ये करने के बाद में तो 90% आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना चाहिए। बाय एनी चांस यदि फिर भी नहीं होता है, ठीक है, फिर भी नहीं होता है, तब आपको क्या करना है, अपने मोबाइल का सॉफ्टवेयर अपडेट एक बार चेक कीजिए। मोबाइल का सॉफ्टवेयर अपडेट यदि आया है तब आप इसे अपडेट कर लीजिए। यह अपडेट नहीं करने पर भी हमें मोबाइल नेटवर्क का प्रॉब्लम आ सकता है, यह अपडेट कर लीजिएगा, और ये अपडेट करने के बाद में आपका प्रॉब्लम डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगा। ये करने के बाद में भी यदि नहीं होता है तब तो दोस्तों लास्ट ऑप्शन आपको अपना कस्टमर केयर से बात करना होगा, ठीक है। कस्टमर केयर से बात कीजिए, वो आपको सॉल्यूशन डेफिनेटली बताएगा। और एक सॉल्यूशन है दोस्तों, अपना सिम कार्ड को एक बार निकाल दीजिएगा और निकाल के दूसरे मोबाइल में डाल के देखिए वहाँ पे नेटवर्क शो होता है कि नहीं। यदि वहाँ पे शो हो रहा है तब तो दोस्तों आपका मोबाइल जो है, मोबाइल का
हार्डवेयर में जो है आपका यहाँ पे मोबाइल का स्लॉट में प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, ये भी हो सकता है। तो दोस्तों वो केस में जो है आपको अपना टेक्नीशियन के पास जाना होगा, टेक्नीशियन के पास विजिट करके उन्हें दिखाना होगा। तो दोस्तों ये था सारा सॉल्यूशन, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।